سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الضائمة ولا قضائهم مجمقين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض

के मख़लूकात होने की हैसियत में उसके जमाल ने सारी कायनत को रोशनी अता कर दी और तमाम दुरुदो सलाम हदय दुरुदोसमजवा मुकद्दसात के लिए जिनके सबके में पर नूर मुहम्मद से जमाल को जमाल अता कर दिया, <दिया> अलहदुल्ल जालना मिनलमतमसकना बिलकुरम وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا من الحسين عليه السلام وجعلنا وياكم ان شاء الله من الطالبين بالصره مع وليه المهدي من آل محمد السلام. मामद्ला खुद गफ़ूरहीम का लुफ़ करम के मखफ़रत गुनाह के यकीन के साथ फ़र्श अज़ा पर हाज़र ख़िदमत होने का शरफ़ बहुत से रहमत के उम्मीदवार तो हुआ करते हैं मगर तलाशी और रहमत में कामयाब नहीं होते मकतब बैत की बरकतें हैं कि तलब रहमत में उम्मीदवार रहमत भी हैं और फर्श अज़ा मरक़ नज़ुल रहमत पर भी है तो रहमतें अपने दामन में भरने के लिए आप भी चले आते हैं और हम भी चले आते हैं दोनों की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपका काम है सबक़ सुनना और तालब इल्म का काम है सबक़ पेश कर देना और उस्ताद का काम है कबूल दोनों से फरमा लेना इस यकीन के साथ एक मुश्किल का आग़ किया कि मुश्किल मुश्किल होता है तलबा के लिए उस्ताद के लिए लफ़ मुश्किल तो पैदा ही नहीं हुआ है मुश्किल तो पैदा मुश्किल का लफ् तो पैदा उन लिए है कि जो आलम इम्कान में रहते हैं इसका वजूद कायन की वजूद की बका की ज़मानत हो जो उसका हो जाए उसके लिए लफ्ज़ मुश्किल तो पैदा ही नहीं हुआ है वो सिर्फ कुशा है मुश्किलों के लिए उसके लिए मुश्किल का ताल्लुक़ कैसे जोड़ा जाएगा पढ़ बात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ज़मान गवत में बैठ कर ज़मान असर ूर की बातें मौजूदा हालात व वाक़ात में रहते हुए आने वाले हालात व वाक़ात की बातें जमानः हुकूमत इमाम महदी आलाम के ख़दो ख़ाल, काश के मुझे इल्म अता हो, फिर वो शरफ़ शरफ़ हुसैन अता हो और फिर आपके पास भी वो सामात का बेहतरीनवान मौजूद हो हम पढ़ते चलें आप सुनते चलें ऐसा ज़माना होगा कि जिसका तसवुर आज ख्वाब में तो हो सकता है हकीकत बयान करना आसान नहीं है अलबतः बाज़ नादान दो समझते शायद किसी मुल्क बदलने से इलाका बदलने से शायद के अमन वामान मिल जाए अमन व अमान तो मिल सकता है मगर हजत खुदा नहीं मिल सकता हमें तो वो अमन चाहिए ही नहीं जो मोहम्मद के बेटे के बग़ैर हो हमें तो वो अमन चाहिए जिसका देने वाला इसलिए कि हम अमन किसी गैर मासूम के हाथ से न कल ले सके थे और न आज ले सकेंगे हमें कल भी अमन मिलता था तो मासूम के हाथ से आज भी मिलेगा तो मासूम के हाथ से उन्हीं मासूम हाथों का इंतज़ार है और खाली ये ना समझिए कि आपको और मुझको इंतजार है कि हम मुश्किल व तो मसाइद में गिरफ्तार हैं नहीं इंतज़ार तो आसमानों को भी है कि मुंतज़िर हैं कि कब होगा हमारी खिलकत का मक़सद पूरा अभी तक तो पूरा नहीं हुआ उसकी आमद का इंतजार ज़मीनों को भी है कि ज़मीने भी परेशान हैं महवे गिरिया हैं महवे इंतजार हैं कि कब आएगा वो आने वाला कब तक छुपा के रखें अपने पेट में खजाने नेमते परवरदिगार के कब उसे जाहिर करके अमानत को अमीन के सुपुर्द कर सकेंगे वो भी इंतज़ार में है और उसी असर ूर को असरे नूर मैंने कल बयान किया असर नूर को असर इल्म कहकर बात को आसान किया कि जमाने जहालत के बहुत आ चुके ज़माने इल्म समझने की भी आ चुके ज़माने अब आएंगे वो जहाँ कामिल होगा ज़माने आ चुके ना समझ लोगों के ज़माने आ चुके कम समझदार लोगों के अब जमाना उसका आएगा जो समझ को कामिल कर देगा और अकलों के कमाल के लिए इमाम ना तो कोई दवा देंगे ना कोई दुआ देंगे ना तो दवा देंगे ना तो दुआ देंगे इमाम अपने दस्ते मुबारक को अगर फेर देंगे तो अकूल इंसान ऐसे कामिल हो जाएगी कि ना इससे पहले कभी ऐसा ख्वाब देखा था ना इसके अलावा कहीं और तस्वर हो सकेगा तो कैसे रौनक की बातें होंगी कैसे हालात होंगे कैसे मकानात होंगे मैं किन बातों को शुरू करूं किन बातों को छोड़ दूं मकानात की कैफियत क्या होगी शहरों की आबादकारी कैसे होगी कल जरा सी बात शुरू हुई थी और टाइम ख़त्म हो गया तो मैंने आज बहुत तेज़ी के साथ तमहीद को रोकते हुए बात को शुरू कर दिया है दर्ज़ आयतें बहुत सी महव इंतजार हैं और मैं क्या कहूँ कि बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो सिर्फ़ महव इंतज़ार नहीं हैं बल्कि तावील हैं और हम और आप क्या खुदा से दुआ करेंगे हमारी और आपकी हैसियत क्या है बहुत गौर कीजिएगा बड़े अदब के साथ हमारा और आपका तो गुज़ारा इमाम के बग़ैर हो रहा है लेकिन कुछ आयतें कुरान की ऐसी हैं कि जिनका गुज़ारा इमाम के बग़ैर नहीं हो सक रहा है कौन सी आयतें? हैं सिर्फ उस एक आयत से आगाज़ करते हुए आयत कुरान ये तीन मकाम पर है बहुत मरूफ़ है बहुत मशहूर है हु अरसला रसूलहु बिल व दीनिल हक। कुल हल, हल। मुकून काफिर भी है मगर वो इससे पहले वालो करे हल काफिर काफिर हो कि मुशरक हो पसंद सबको यही है कि जहोर ना होने पाए और मैंने ये आयत जो पढ़ी है तीन मकामात पर सोरे मुबारक तोबा में शोर मुबारक अलफ में और शोर मुबारक अफ़ में है सफ़ में नंबर नौ है इस आयत का शोर अलफ में इस आयत का नंबर अट्ठाईस है और शोर मुबारक अ तोबा में इसका नंबर तैतीस है कोई तो ख़ास बात है जो परवरदिगार ने इसको इतना रिपीट किया है आजकल तो खैर वो अगर कोई बात की जाए प्रोग्राम्स के एतबार से तो मीडिया 24 घंटे कैसे मुकम्मल करे रिपीट करता है तो वो रिपीट करना नहीं सलवाद पढ़े मोहम्मद मैं अल्फाज अपने कहूँ कि कभी कभी ख़तीब हम भी ऐसे तालबिल लोग भी करते हैं करते हैं ना जब जब ख़त्म हो जाए मेटर तो क्या किया जाएगा रिपीट किया जाएगा तो मेटर ख़त्म हो जाने पर रिपीटिशन और होती है और अगर प्रोग्राम्स मौजूद ना हो और फिर आए हुए प्रोग्राम्स को रिपीट किया जाए वो बात और होती है अगर खुदा रिपीट करता है अपने इल के साथ खुदा आयत को दोहराता है उसकी अहमियत के अतबार से तो तीन मकाम पर खुदा ने इस आयत को ऐसे दोहराया जैसे कुरान में तीन जगह जायकतुल मौत को दोहराया बात एक ही है सोरह आले इमरान में कही सोरह अंबिया में कही सोरह अनकबूत में कही बात एक ही है कुल्ल नफसिन जायकतुल मौत दोहराया गया ऐसे इस आयत को हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा मैं इसकी सारी बारीकियां छोड़ते हुए खाली एक जुमला आयत के बारे में कहूं और फिर रवायत से इस्तफादा करते हुए कि जब तक तो कुरान को वारिस कुरान से, से मिलाकर ना पढ़ा जाए कुरान समझ में नहीं आता इसलिए समझ में नहीं आता कि समझ छोटी है कुरान बड़ा है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ये कोई कुरान का मसला है अल्लाह बात ये कि समझ छोटी है कुरान बड़ा है तो जब समझ छोटी हो और क़ुरान बड़ा हो तो उनसे पूछें कि जिनकी समझ कुरान के बराबर हो वो बताएंगे ना फिर कि इसका मतलब क्या है इसका मौजू क्या है इस आयत के बारे में रिवायत को पढ़ने से पहले खाली एक जुमला ले दीन कुल्ले ताकि गालिब आ जाए गालिब आ जाए दीन इस्लाम दीन हक गालिब आ जाए उसने भेजा उसने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा दीने बरहक के साथ भेजा मगर भेजा क्यों है इसलिए नहीं भेजा है कि मक्के में हुकूमत बन जाए इसलिए नहीं भेजा है कि मदीने में इस्लाम पहुंच जाए बस इसलिए ही नहीं भेजा है कि कोफे में मोमनीन पैदा हो जाए इसलिए ही नहीं भेजा है कि इराक में झंडा इस्लाम का कायम हो जाए रहूदी कुल्ले मकसद रिसालत अभी तक तशना है आयत इंतजार कर रही है कि उसकी तावील कब फलवाद पड़े मोहम्मद मोहम्मद आयत याली। आयत इंतजार कर रही है ले युजहरा हुआ लफ्ज युजहरा को पहचानिए और फिर अपने अकीदे में जो आपके हमारेमा ने हमारे ने हमें लफ्ज़ दिए उन लफ्ज़ों की अहमियत को याद कीजिए मैं इंतहाई अदब के साथ अपने जवानों से इजहार मोहब्बत करता हूँ कि जिन्हें मासूम से बड़ी उल्फत अकीदत है इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि वो लफ्ज़ विलादत को कबूल नहीं कर पा रहे हैं मासूम की विलादत को जहूर कहना चाहते मैं उनसे इल्तमास करता हूं कहीं नादानी में जहूर से अपने मसाइल को अलग तो नहीं कर रहे जहूर का मतलब कुछ और है और अगर विलादत के मसले पर कोई नौजवान परेशान हो तो मत घबराएं मत घबराएं खुदा ने अपनी शान बयान करते हुए लफ्ज विलादत को बयान किया है यलिद वलम यूलत अगर अगर लफ्ज विलादत में कोई खराबी होती है तो खुदा अपनी जात से आदम नस्बत देकर ही क्यों ना कहता उसने अगर कहा है आदम नस्बत के साथ कहा तो है ना लम यलित उसे किसी ने नहीं जना तो लफ्ज जना खुदा से मंसूब हो तो नफी में तोहीद हो जाए लफ्ज जना मौलूदे काबा से मंसूब हो तो इस बात में विलायत हो जाए तो ये लफ्ज विलादत के मसाइल को अगर कोई परेशान हो सुनने वाला कोई मेरा जवान कोई मोहब्बत करने वाला तो मैं उसकी मोहब्बत पर शक नहीं करता मैं उसकी खदमत में अर्ज करता हूं कि लफ्ज विलादत जब भी कहिए तो आप वहां भी ना बनिए रसूल हम जैसे थे तो लफ्ज विलादत को कहते हुए हम जैसगी का तस्वुर निकाल दीजिएगा उसके बाद जैसा मासूम को समझते हैं वैसी मासूम की विलादत समझिएगा अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह यह मैंने क्यों अर्ज किया इसलिए कि जहूर के मुकाबले पर लफ्ज विलादत का मसला महदवियत के बारे में है एक इमामी है एक गैर इमामी है इस वक्त हम दो तबका हाय फिक्र की बात कर रहे हैं एक इमामी और एक गैर इमामी जो इमामी है वह लफ्ज के कायल हैं जो गैर इमामी हैं वो आखिरी इमाम के लफ्ज विलादत के कायल हैं लफ्ज़ विलादत के कायल गैर है। इमामी हैं लफ्ज़ जहूर के कायल इमामी हैं तो इमामी की शान यह है कि अपने बारवें पर कुर्बान यूं है कि उससे विलादत के नाम से याद नहीं करता जहूर के नाम से याद करता है विलादत हो सकती है काबे में मासूम अव्वल ना इमाम अव्वल की इमाम अव्वल की विलादत हो सकती है अब्दुल्लाह के घर में मासूम अव्वल की विलादत हो सकती है खतीज ताहिरा के घर में मासूम कौनैन की होर के लिए घर नहीं चाहिए कायनात चाहिए विलादत घर में होती है जहोर कायनात में होगा ले यो जहर राह वालीन कुल्ले कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहे हैं ताकि गालिबूर का मतलब क्या हुआ जहर का मतलब इमाम का सामने आ जाना नहीं हुआ जहूर का मतलब गालिब हो जाना अल्लाह हो अकबर क्या इसमें इस्तेमाल हुआ गालिब वो थे जो अली अलीबन अभी तालिब थे हमारा पहला भी गालिब था आखरी भी हमारा आखिरी भी गालिब है क्या समझते हो मखलूब बनाकर क्या गालिब को हमसे छीन लोगे हमारा पहला भी गालिब हमारा आखिरी भी गालिब हम तो गालिब के मानने वाले मगर शायर नहीं इमाम की बात है कलवा पढ़े मोहम्मद मैंने इसलिए वजाहत कर दी बस औकात टिप्स लिए जाते हैं मलजिसों से और आगे बढ़ा दिए जाते हैं गालिब की बात हो रही थी तो मैंने गालिब की बात को निकाल दिया हम उस गालिब की बात तो ूर का तर्जुमा गलबा है और कैसा गलबा अलद्दीन कुल्ले अब रवायात सुनिए मौलाए मतान अलिब ने अभी तालबिस्ला तोलाम का जुम्मन इसी एक आयत के बारे में जो तीन मकाम पे इस्तेमाल हुई इस एक आयत के बारे में तीन कॉल सुन लीजिए पहला कॉल मौलाए कायन का फरमाते हैं इर्शाद कि कसम उस जा की ऐसा हर किस नहीं इस आयत के बारे में जो लोग ख्याल कर रहे हैं ऐसा हर किस नहीं है कसम उस जात की इसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है अब अली की जान किसके कब्ज़े कुदरत में उससे ही तो खुदा कहना चाहिए इसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान हो वही तो खुदा है तो जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान उसकी कसम है क्या कसम है माम क्या कहना चाहते हैं फरमाया जमीन पर कोई करिया ऐसा बाकी नहीं बचेगा ला तबका करियत नहीं बचेगा कोई भी करिया जमीन पर बाकी नहीं बचेगा इलाव नीहा मगर यह कि उसमें निदा बुलंद होगी इसकी अशहद अल्लाह وَأَنَّ محمد الرسول الله الله صلى عليه وسلم सुबह भी होगी और शाम को भी होगी इमाम के पैगाम का मतलब क्या कि आयत उस वक़्त मुकम्मल होगी अपनी तावील के साथ जबकि जमाना ऐसा आएगा कि हमारे कायम का जहूर होगा उनका जहूर होगा तो जमीन पे कोई करिया ऐसा नहीं होगा कि करिया हो अजान न हो अब करिया और अजान की बात आ गई मोहब्बत की बात करते हुए रिवायत मुकम्मल पहली उसके बाद चलें दूसरी रिवायत इमाम मोहम्मद बाकर सलाम इसी एक आयत के बारे में इमाम की रिवायत के अल्फाज अलग हैं अब मैं क्या कहूँ अगर कोई मेरा जवान मुझसे पूछ ले कि ये अलग अलग अल्फाज कहाँ से लाते हैं आयत भी एक है मफहम भी एक है तावील भी एक है तो अल्फाज मुख्तलिफ क्यों हैं तो रावी का मसला इमाम के इल्म का मसला नहीं है इमाम का इल्म तो एक जैसा ही है अलबत् रावियों की बर्दाश्त मुख्तलिफ है अब मैं कैसे इस जुमले को आसान करूं बड़ा आसान हो जाएगा यह जुमला अगर कोई पांचवी क्लास का बच्चा किसी मास्टर्स किए हुए शख्स से कोई सवाल करे और जिसने मास्टर्स किया हुआ हो वो उस सवाल के जवाब को अपने इल्म के मैार के मुताबिक देना शुरू करे तो पांच साल का बच्चा सर्क हो जाएगा हाँ शक्ल देखेगा हैरत से कि इन्हें हुआ क्या है ये कौन सी जुबान बोल रहे है? तो पांच साल के बच्चे के सवाल के जवाब के लिए यह तो मुमकिन नहीं है कि पांच साल के बच्चे का इल्म मास्टर्स किए हुए के बराबर आए तब सवाल जवाब मुकम्मल हो अलबत् बड़े को नीचे आना पड़ेगा इसलिए कि सुराही सर नगु होकर भरा करती है पैमाना जो आला जरफ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं तो इमाम के जितने जवाब साब मिले इमाम नहीं हैं, बल्कि बर्दाश्त जरफे साइल हैं कि जितना उसमें बर्दाश्त था इमाम उतना जवाब दे रहे थे इख्तलाफ की हो गया कि हर जमाने के समझने वाले अलग अलग थे और हर सवाल करने का जाविये सवाल अलग अलग था सवाल करने वाले का लिहाजा मौला के अल्फाज अलग इस एक के बारे में और इमाम के अल्फाज अलग फरमाते हैं कोई एक भी ऐसा ना बचेगा कि जो अकर्रा बे रसूल जो इकरार कर ले रुए जमीन पर कोई फर्द भी ऐसा ना बचेगा जो इकरार कर लेदा मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मतलब मौलाए मुत्तकियान ने करियों की बात की पांचवें इमाम ने अफराद की बात की और चलने फिर इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इमाम इस आयत के बारे में इरशाद फरमाते हैं अबू बसीर अभी तक आयत की वील मुकम्मल नहीं हुई ना इसकी तावील नाजिल हुई है ना नाजिल हो सकेगी जब तक के जब तक के हमारा कायम ख़ुरूज़ ना करे इमाम ने माजी में भी नफी कर दी और ज़माने मुस्तकबिल छठे इमाम के दौर से लेकर ग्यारहवें इमाम के दौर के बाद जमान ग तवील अरसा इस आयत की तावील नाजिल नहीं हुई और ना नाजिल हो सकेगी जब तक कि वो जमाना ना आ जाए जिसमें वो फर्जंदे मासूम खुरूज ना फरमाए जहूर ना कर और जब वो जहूर करेगा तो फिर तमाम अधियान पर तमाम अधियान पर ऐसा गालिब हो जाएगा कि सबको कलमा पढ़ना ही पड़ेगा सबको कलमा पढ़ना ही पड़ेगा उस जमाने में काफिर अगर किसी चट्टान में जाकर छुपकर बैठ जाए तो चट्टान पुकार कर खुद कहेगी चट्टान पुकारेगी मोमिन को अल्लाह अकबर तो क्या पत्थर भी बात किया करते हैं किसी के लिए बात करते हो कि ना करते हो साहिबा ने विलायत के लिए साहिबे विलायत के हाथों पे करते थे या आशिकाने विलायत से करेंगे पत्थर की चट्टान मोमिन को पुकार कर कहेगी इधर आ मोमिन इधर आ और मेरे पेट को चीर दे मेरे शिकम में काफिर छुपा हुआ है मुझे चीर कर काफिर को निकाल और उसे कत्ल कर दे तो कोई दीनेसाइत पर दीने यहूदियत पर बाकी न रहेगा मगर ये कि इस्लाम कबूल कर ले मुजाहिद के रवायत तरक तो अहल सुन्नत के अतबार से इस आयत के जेल में बहरहाल ये ततीम्मा चौथी रिवायत के ुमान से आ गया इबन अब्बास इसके रावी है और अब चलें इस आयत के साथ साथ दूसरी एक मंजिल कल किसी मोमिन ने मुझसे एक आयत दिखाते हुए सवाल किया था उस सवाल पर उसका जवाब सूर मुबारक अजुमर की आयत नंबर सिक्सटी नाइन उनहत्तर नंबर की आयत थी बहुत मशहूर, मशहूर और वरूफ़ आयत है मगर इन सारी आयात को अगर एक जगह पढ़ना चाहें तो बड़ा आसान कर दिया काम कामा ने बहुत साहिब एहतराम शख्सियत हैं सैयद हाशिम अल-बहरानी। उनकी किताब है अलमहज फ़ीमा नजल अल काम अलहजा कि जितनी आयतें इमाम जमाना सलाम के बारे में नाजिल हुई सब जमा की हैं तो उसमें से ये आयत भी है जिसको कल किसी ने मुझसे सवाल के तौर पर पूछा था वो अशर कतिल अर्जो बे नूर रब्बिहा अशर कतिल अर्जो बे नूर रब्बिहा और जमीन चमक उठेगी अपने रब के नूर से अपने रब के नूर से रब से मुराद कौन इमाम फरमाते हैं मासूम का जुमला छठे इमाम की दो रिवायतों से खुलासा खुलासा क्या अशरकतल अर्जो बिल नूर इमामिल अर्जे रब यानी इमामिल अर्ज कुरान जिससे रब कहे उससे मासूम लफ्ज इमाम के साथ याद करें बहुत डरते हुए जरा सा मंजिल ऐसी है कि इंसान घबरा जाता है बात कहते हुए आलमीन अपने मुकाम पर रब वही है रब वही है मगर रब का एक इस्तेमाल यह भी तो है जो हजरत मुत्तलिब ने उस वक्त भी किया जबकि कुरान नहीं आया था कि मैं तो ऊँटों का रब हूं घर का रब जो है वो अलग है मैं अपने ऊंट मांगने आया हूं घर का रब घर को खुद बचा लेगा तो इसका मतलब घर का रब अलग था ऊंटों का रब अलग था हालांकि सबका रब रब्बुल अरबाब तो वही है मगर जमीन चमकेगी किसके नूर से इमाम अर्ज। और क्या इमामुल अर्ज की कैफियत है तो चमकने का मतलब क्या है चमकने का मतलब यह इमाम फरमाते हैं जब इमाम फरमाएंगे तो सूरज और चांद बेमाना होकर रह जाएंगे इंसान को सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी की फिर कोई फिक्र ही ना रहेगी मैं यूं कहूं कि इमाम की आमद से पहले मुसलसल रात है सूरज निकल भी आए तब भी रात है चांद चमक रहा हो तब भी रात है और इमाम के झहूर के बाद रात नहीं है मुकद्दर में रात नहीं है इसको यूं कहकर आसान किया जाता है रब से मांगो उसके यहां देर तो है अंधेर नहीं है तो रात होती है अंधेर और इमाम के आने के बाद अंधेर कुछ नहीं है सब रोशनी ही रोशनी है तो इमाम की आमद के बाद दिन और रात चौबीस घंटे के हो जाएंगे तो न दिन ही दिन होगा रात नहीं होगी चले मैं इसको आसान कर लू खुदा कयामत को भी दिन कहता है कयामत को भी दिन कहता है हालांकि कयामत का कोई दिन नहीं है इसलिए कि न सूरज है न उसकी हरकत है न जमीन है न उसके फलकियात के घूमने वाले और सैारा जात हैं सब खत्म हो जाने का नाम तो कयामत है तो फिर दिन कैसे हो गया तो दिन का मतलब दिन नहीं है दिन का मतलब अदालत की ऐसी रोशनी है और अंधेरे का मतलब रात नहीं होता अंधेरे का मतलब अंधेर नगरी होता है कि वो कहते हैं ना कि वो साहब वो बांट भी रहा था तो अपने अपने को बांट रहा था आर्टिकल सिक्स में एक को रखा गया बाकी सबको निकाला जा रहा है सर पाकिस्तान की मसाइल यहां बयान करने का क्या फायसल पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई <चेंगसा> नंबर सिक्स है तो बाकी पांच को भी लाओ ना फिर खैर कौन कौन से बड़े पांच वो अलग मौजू है यहां का मौजू नहीं है तो अब क्या अंधेर नगरी है अंधेर कहते किसे अंधेर अंधेरे को नहीं कहते अंधेर कहते हैं जुल्म को, ना मिलने को। तो इमाम की आमद से पहले अंधेरा रोशनी होगी इमाम के हो हो अल्फाज मुकम्मल हो रहे हैं इशात फरमाते हैं किसी रोशनी की हाजत न रहेगी क्या जमाना होगा इमाम की आमद का और यहां से अब वो मसला मसले अमनो अमान भी मुत्ल करते हुए जमाने ग़ैबत की पांच मुश्किल में एक मुश्किल आज के जमाने की मुश्किल मसल अमनो अमान और बड़ी सख्त रिवायत है सरकारी खत्म ये मरतबा सल्हरम इशाद फरमाती मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा जितनी रिवायत पढ़ रहा हूं ना इसको आप किताबों से मालूम कर सकते हैं मैं खुद किताब का नाम लेकर बयान कर देता हूँ मुझे फ़ख्र इस बात पर है कि मैं किताब से पढ़ रहा हूँ बहुत से लोग अब माशाल्लाह ऐसे आने लगे हैं अब माशाल्लाह कहूँ या इन्ना लिल्लाह कहूँ कि जो मेंबर से कहते हैं किसी किताब से नहीं पढ़ रहे है। मैं किताब से पढ़ रहा हूँ किताब का नाम है हुकूमत महदी उर्दू में तर्जुमा इसलबात पढ़े मोहम्मद तो एक किताब ये उर्दू में बाकी किताब अरबी की सात साथ इसके और एक अद मोहम्मद असद की किताब है मौसुआत इमाम महदी के वनवान से जल नंबर तीन तारीख माँ बदूर किताब का और हवाला सुन लीजिए किताब का एक और नाम काजिमैनी की किताब अलमहदी मिनहद अल ूर किताब का और नाम सैयद हाशिम बहरानी की किताब जो अलमहजा सीमा नजला अलकाइम अलहज्जा के हवाले से तो ये तमाम किताबों का जरा सा अख्तसार हो गया कि अब बात ज़रा आसान हो जाएगी कि इमाम के आमद के बाद की गश्किला एक एक करके खत्म हो रही है जमान गांत क्या है क्या बेअमनी बेअमनी क्या है यहां तो आपको इसका अंदाजा ही नहीं है यहाँ की इंतजामिया ने जो इंतजाम कर रखा है अमन सुकून है इसका अंदाजा तो हम पाकिस्तान वालों खूब है कि बेअमनी किसे कहते हैं तो बेअमनी किसे कहते हैं ये बेअमनी क्या है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा जब दूसरी उम्मतें मेरी उम्मत पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे इंसान खाने के बर्तनों पर टूटते हैं अब इसकी मिसाल में अगर सियासी अंदाज में कहूँ तो बहुत सी पार्टियाँ पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनमें खाने पर टूट जाने के बाकायदा मुशाहिदे मौजूद हैं भूखे इंसान खाने पर जैसे टूटते हैं वैसे दीगर उम्मतें मेरी उम्मत पर टूट पड़ेंगी पूछने वाले ने पूछा यार रसूल अल्लाह क्या कल्लत अफराद वजह बनेगी फरमाया नहीं अफराद की किल्लत नहीं अफरा ज्यादा होंगे मगर उनकी जाति मिसले खशो खाशाक मिसले उस घास फूस के पत्तों की तरह से होगी घास के तिंकों की तरह से होगी कि जो समंदर की तह पर रुके हुए होते नीचे कोई जड़ नहीं होती अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खुदा मुखालिफों के दिलों से मेरी उम्मत का रोब और हैबत खत्म कर देगा और मेरी उम्मत के लोगों के दिलों पर सुस्ती गालिब हो जाएगी सवाल करने वाला पूछता यार सरल्ला सुस्ती का मतलब क्या है या सुस्ती की वजह क्या है आप फरमाते हैं दो ही बातें हैं एक दुनिया से मोहब्बत एक मौत से नफरत दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत मेरी उम्मत के ये मसले होंगे कि उनके दिलों पे सुस्ती होगी और खुदा उनकी रोबो दबदबे को दूसरी उम्मतों के दिलों पर से खत्म कर देगा वो ऐसे टूट पड़ेंगे कि जैसे कोई भूखा इंसान खाने के बर्तनों पर टूटता है बदअमनी कितनी बढ़ेगी गारत गरी कैसी होगी रवायात ने आखिर जमाना और कयामत के कुर्ब की निशानियों में कौन कौन सी बातें बयान की सारी बातें बयान नहीं कर रहा इख्तसार से बात को आगे बढ़ा रहा हो ताकि जमाने गबत की मुश्किल समझें और जमाने जहूर की दुआ शिद्दत के साथ मांगे यह मुश्किल है और मुश्किल कुशा कौन बारवा इमाम यह मुश्किल है मुश्किल कुशा वो मुश्किल अभी आई कब है जमाना ऐसा आएगा खासतौर से सफियानी और फोलानी के नाम से मासूम के जुमले या खाली सूफियानी कहकर मौलया मुतकीान के जुमले फरमाते हैं मासूमीन की रिवायत के तर्जुमे को पेश करते हुए कि सुफियानी किस तरह कत्लो आम कत्ल आम करेगा यहां तक के खोलते हुए तेल तेल गर्म किए जाएंगे और बच्चों को उन तेल में डाला जाएगा बच्चे हाथ जोड़कर कहेंगे हमें क्यों जलाते हो अगर हमारे माँ बाप ने तुम्हारा इनकार किया था हमारा कसूर क्या है बच्चों को जलते हुए तेल में डाला जाएगा ऐसे कि उनकी हड्डियां उनके गोश को छोड़ दें उससे बात आगे बढ़ी तो फरमाया इससे भी जमाना सख्त ऐसा हो जाएगा कि जिन जितने बच्चों के नाम हसन हुसैन पर होंगे उन्हें सोली पे लटकाया जाएगा बच्चों की बात कर रहा हूं बड़ों की फिर फरमाया कि में मादर हामिला खातीन के साथ जो जुल्म होगा एक जुल्म उनकी जुल्मी का मसला उनके साथ और दूसरा जुल्म उनके जुल्मिक को चाक करके बच्चों को निकाल कर जिबा किया जाएगा। उम्मत पर जमाना कैसा आएगा आखिर जमाना मुश्किल कितनी अम होंगी इतनी हम बात अल्लाह रसुल फरमाते हैं जमाना ऐसा आ जाएगा लोग पूछेंगे कि फला खानदान में कितने लोग बचे हैं कोई बचा भी है या नहीं और वाक़ रवायात पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हमारे बहुत से अल्फाज जो हमारी ज़ुबान पर आते हैं बग़ैर रवायत पढ़े हुए वो अल्लाह के रसूल की सदाकत की अलामत है ख़ास तौर से पाकिस्तान के हालात को देखते हुए जुमला कह रहा हूँ इशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के एक ज़माना ऐसा आएगा इस उम्मत पर जबकि कातिल को नहीं मालूम होगा वजह कत्ल क्या है और मखतूल को नहीं मालूम होगा कि क्यों उसे कत्ल किया गया है और आज आप बहुत गौर से अगर मुलाहिजा करें टारगेट किलिंग्स के वाकयात को तो उजरती कातिल क्या है ये किराए के लोग कैसे होते हैं पांच हजार अब तो सुना यह कि पांच हजार से कम में भी एक इंसान को मार देते हैं उन्हें नहीं पता इसे मारना क्यों है उन्हें यह पता कि मुझे क्या मिल रहा है अल्लाह के की रिवायत कातिल को नहीं पता होगा कि वो इसे क्यों मार रहा है और मकतूल को नहीं पता कि उसे क्यों मारा जा रहा है जुबान की बुनियाद पर इलाके की बुनियाद पर रंग की बुनियाद पर नस्ल की बुनियाद पर कारोबारी हसत की बुनियाद पर उसकी टारगेट क्यों की गई है या विनायत आल मोहम्मद की बुनियाद पर उसे नहीं मालूम हुआ अल्लाह के रसूल की रिवायत और आखिर जमाने में मामवाद की कसरत कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं एक रिवायत और आपकी में पेश कर दूं सरकारी खत्म ये मरतबा वसल्लम शाद फरमाते हैं कि मेरे बात मेरी उम्मत पे चार किस्म के जमाने आएंगे या फितने चार किस्म के होंगे पहला फितना ये होगा पहला जमाना ऐसा आएगा जिसमें उनके खून को मुबाह समझा जाएगा दूसरा जमाना खून और अमवाल मुबाह हो जाएगा तीसरा जमाना खून अम्वाल और इज्जतें मुबाह हो जाएंगी और चौथा ज़माना फितनाउ फसाद का ऐसा होगा जैसे कश्ती दरिया के पानी में तलातों में रहती है ना इधर की रहती है न उधर की रहती है ऐसे मेरी उम्म के लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे रवायत मासूम का खुलासा कि लोग तमन्ना करेंगे मौत की जिंदगी को छोड़कर और मायूस हो जाएंगे जहूर इमाम के मसले पर तब हमारा कायम जहोर करेगा ज़माने की तो में गांत बेअमनी और कैसी बेअमनी कि मौत और मौत सफेद मौत और सुर्ख मौत ताउन कैंसर की बीमारी और कैंसर के मसाइल कैसे हो गए कि वाक अजीब गरीब से हो गए जिसने कभी पान नहीं खाया कभी छालियां इस्तेमाल नहीं की कभी कोई उसने बाजार की ऐसी मुजरे सहत चीज इस्तेमाल नहीं की फिर उसको मुंह का कैंसर और कभी कभार आखिरी स्टेज पर कैंसर के फिर मौत ही मौत और कुछ भी नहीं रवायत के जुमले और इमाम फरमाते हैं कि एक तिहाई आबादी खत्म होगी सफेद मौत से और एक तिहाई आबादी खत्म होगी सुर्ख मौत से और रह जाएगी एक तिहाई आबादी रवायात में कि दस में से नौ रह जाएंगे दस अफराद अगर कायनात में तो नौ मर जाएंगे एक रह जाएगा सिर्फ दस में से नौ खत्म हो जाएंगे या कायनात की आबादी में एक तिहाई आबादी बचेगी यह सवाल किसी ने किया था मासूम से मौला दुनिया की एक तिहाई आबादी कब खत्म हुई फरमाया गलत कहते हो दुनिया की एक चौथाई आबादी खत्म हुई थी उस वक्त जबकि सिर्फ चार लोग थे दुनिया के अंदर दो माँ और बाप और दो भाई भाई उनके बेटे और एक भाई ने एक को मार दिया था तो चार में से एक के मर जाने का मतलब क्या हुआ कि एक चौथाई आबादी उस वक्त दुनिया खत्म हो गई एक तिहाई आबादी अभी तक खत्म नहीं हुई है बाकौल मासूम वो खत्म सिर्फ कब होगी जबकि जहूर इमाम करीब हो जाएगा कितनी अमवात लेकिन जमान की मुश्किल के साथ जमान जहोर की आसानियाँ और जमान जहूर की आसानियों में इमाम के हुकूमत के कयाम के एतबार से कौन कौन से मसाइल इमाम हल फरमाएंगे अमन ऐसा होगा कायम अमन ऐसा होगा कायम मैं आपको याद दिला दूँ कि बेअमनी होती क्यों है मैंने कल भी ख्याा किया था कि इमाम उन तमाम जड़ों पर हाथ रखेंगे जहाँ से खराबियां पैदा होती और जब दरख्त को जड़ समेत उखाड़ दिया जाए तो मसला खत्म हो जाता है तो रोजगार फरावा होगा और सजा इतनी सख्त होगी इन कल या किसी और दिन ये बात आने वाली है कि इमाम कुछ ऐसे नए मसाइल से अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाएंगे जो अब तक मसाइल शरीयत शरीयत में नाफिज नहीं किए गए जो तो इमाम जमाना सलाम की आमद के बाद नाफिज होंगे <avez> <Chevy> वो अल्फाज भी अमरे जदीद और दौरे जदीद होगा क्या जदीद दौर होगा जमाना कितना अमन का होगा कि एक खातून अगर अकेली अकेली खातून रात के आखिरी पहर में नब के बाद निकले और सोने के जेवरात से लधी हुई हो मशरक से मौरब तक जाए रास्ते में किसी लूटने वाले का खौफ ना हो या भेड़ और भेड़िए गाय और शेर इंसान और सांप इस तरह मिलकर रहे किसी को किसी से खौफ न रहे वो जमाने ज़ुहूर की हल्की सी झलक है जो रिवायतों ने बयान की अमन का जमाना क्या होगा लोग समझते शायद के उन नमालिक में अमन है कि जहां लोग हिजरत कर रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, अमन है वहां पर अरे अमन दिखावे का है थोड़ी देर के लिए अगर लाइट बंद हो जाती है तो कितने शॉपिंग मॉल लूट लिए जाते हैं आपको मालूम है ना ये अमन है यह कैमरे की आंख का खौफ है यह अमन है अमन तो वो होगा जो इमाम के दौर में होगा सजाएं और फिर इतनी वाफिर मकदार में रोजी और रिस्क आसानी के साथ मिलने वाली अब आइए इमाम के अनसारों का तारफ कराने से पहले आज दिल चाहता है कि इमाम के असलहे पर एक जुमला कह दूं इमाम का लिबास बयान कर चुका और आज जरा एक जुमला इमाम के लिबास पर फिर आएगा मगर इसल के नुनवान में इमाम का असल क्या होगा जुल्फकार ल्फ़ार रसूल खुदा की ल्फ़िकार वही फकार जो मौलाए मतान के पास थी मगर इस ल्फ़ार का मतलब क्या वाकया तलवार है अल्लाह के रसूल के ज़माने में तलवारें थीं तो मुकाबले पर तलवार चाहिए थी मौलाए कायनात के दौर में तलवारें थीं तो मुकाबले पर तलवार चाहिए थी लेकिन बारहवें इमाम के दौर में तलवारें नहीं हैं दो किस्म के मारूफ हथियार हैं एक एटमी हथियार एक कीमे हथियार हैं और इमाम के इस लफज सैफ का किनाया है इमाम के हथियार की ताकत की तरफ इमाम के इस एक हथियार में दो सलाहियतें हैं ये एक ही वक्त में एटमी हथियार भी है और एक ही वक्त में कीमे हथियार भी है कोई दलील दलील रवायत कि इमाम की तलवार की खासियत ये होगी कि जब आप वार करेंगे कोफे की फसील और दीवार पर तो इमाम के वार करने के नतीजे में वो दीवार घिरेगी और धुएं में तब्दील हो जाएगी आप गौर कीजिएगा कि इस तरह से दीवार खत्म होगी कि उसका मलबा भी जमीन पर बाकी नहीं बचेगा फिजाओं में उसके जर्रात गुम हो जाएंगे इमाम की तलवार की सलाहियत उसके बाद अगला जुमला कि जब किसी इंसान पे पड़ेगी तो ऐसे घुल जाएगा वो जैसे नमक पानी के अंदर घुल जाता है अब मसाला मैं तफसीला छोड़ते हुए वरना मैं इसके डीप में जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी कि किस तरह जैसे कोई ब्लास्ट होता है ऐसे दीवार उड़ेगी तलवार से और ऐसे उड़कर इतनी शिद्दत के साथ खत्म होगी दीवार कि उसके जर्रात भी नहीं मिलेंगे यहां पर और जब किसी इंसान पे वार होगा तो इंसान ऐसे घुल जाएगा कटेगा अपने मकाम पर घुलेगा अपने मकाम पर ऐसे घुल जाएगा जैसे नमक पानी के अंदर घुलकर खत्म हो जाता है वो या इंसान की हड्डियां और गोश्त अलग हो जाएगा इमाम की तलवार लगते के साथ ठीक अब ये उन सवालों के जवाब दिया आ गए कि इमाम इस दौर के मुकाबला कैसे करेंगे इमाम का वो लिबास बतौरे हिफाजती जैकेट की होगा जो मैंने कल बयान किया कि चौके दुनिया वालों का असलह नारिया है जितने असले हैं वो नार से जलाने वाले हैं इमाम का लिबास वो जनाबी इब्राहिम ने पहना था जिसमें आग असर सलवाद पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और ये बात बड़ी आसान सी कबला बात बड़ी आसान सी ये कल और तस्वर था कल तलवार की काट से बचने के लिए लोहे के ज़रा पहने जाते थे आज बुलेट से बचने के लिए जैकेट्स बनाई जा रही हैं और जैकेट्स बनाते हुए क्या ख्याल रखा जाता है उसका पूरा मौजू अलग है उस नहीं जा रहा खाली इशारा कर रहा हूँ कि कल की जैकेट्स और आज की जदीद जैकेट्स में आप अगर फ़र्क मुलाहद कीजिए कल की जैकेट्स इतनी वज़नी होती थी कि पहनने के, के बाद इंसान थक जाता था आता आहिस्ता इंसान खुद जा रहा है उस तरफ समझाए कि ऐसा मुमकिन है कि खाली एक सिंगल ड्रेस पहना हुआ हो और उसमें सलाहियत पैदा कर ली जाए कि उस पर गोली का असर वाकई न हो तो अगर डेढ़ हर्ष के इल के साथ इंसान ये बना सकता है तो बहत्तर हरूफ के इल के साथ इमाम की तरक्की किस मैं पर होगी और al सिर्फ इमाम की तलवार ही ऐसी नहीं है बल्कि इमाम की रिवायत फरमाते हैं कि जो बारहवें इमाम के तीन सौ तेरह अंसार होंगे जिन्हें मैं कल हबीब कह चुका हूं, वो जो होंगे उनके लिए आसमान से तीन सौ तेरह तलवारें नाजिल होंगी और हर एक तलवार पर सिपाही का और उसके बाप का नाम कंदा होगा सोचा करता था ये मसला क्या है कि जब किसी थाने से हथियार दिए जाते हैं तो उस पर बेल्ट का नंबर लिखा जाता है और उसकी एंट्री की जाती है सिपाही का और उसके बाप का नाम दीवान में लिखा जाता है कि जाओ असला लेकर जाओ जब बात को वापस घर जाने लगो तो यहाँ असला जमा करा देना इसलिए कि खतरा है कि अगर रात में तुम मसला घर ले कहीं और इस्तेमाल ना कर दो तो जो तो तलवारें ईमान के सिपाहियों के लिए आएंगी उनमें उनके नाम उनके बाप का नाम लिखा हुआ होगा और ऐसी तलवार के नाम तलवार का होगा अब सुने उनकी तलवारों की शान क्या होगी लेकिन तलवारें ऐसी होंगी कि तलवार यानी अगर ये आम तलवार हो तो पत्थर पे मारें तो उसकी धार खराब हो जाएगी वो तलवारें 313 सौ ऐसी होंगी कि पहाड़ पर मारेंगे तो पहाड़ कट जाएगा अल्लाह अकबर खाली ऐसा नहीं है कि एक ही तलवार नाजिल हुई हो अरे खुदा उसी अली की मोहब्बत में इन अली वालों को भी तलवारें ऊपर से उतार उतार के देगा इमाम का लिबास जंग इमाम का हथियार जंग और सिर्फ आठ महीने का कताल होगा सिर्फ आठ महीने जंग चलेगी वो मौजू अभी अभी नहीं आया और आज की हद तक बात को रोकते हो टाइम खत्म हो गया कि कैसे जानेसार होंगे और कल मैंने इशारा किया था कि इमाम का एग्रीमेंट उनसे क्या होगा चौबीस बातें इमाम उनसे हल्फिया कबूल करवाएंगे कि ये बातें आपको मानना होंगी और इमाम उसके जवाब में आठ बातें उनके इजहारे मोहब्बत के लिए बयान फरमाएंगे और उनमें से एक बात कल आ चुकी और अब कुछ बातें आज और सुन लीजिए सबसे पहली शर्त यह होगी जो इमाम के हाथ पे हलफ उठाएंगे उनकी पहली शर्त यह होगी कि मैदान जंग से फरार इख्तियार नहीं करोगे दूसरी शर्त यह होगी कि कोई हराम काम नहीं करोगे तीसरी शर्त ये होगी कि कोई नाजायज काम नहीं करोगे चौथी शर्त ये होगी कि किसी मुनकरात को अंजाम नहीं दोगे ये चार शर्तों का इशारा आज की हद तक और इमाम के जवाब में जो इमाम ने उनके इजहार मोहब्बत के लिए फ़रमाया कि तुमने अगर ये बातें पूरी की, तो मैं तुम्हारे साथ आठ बातें पूरी करूँगा उनमें से एक बात ये कि जो तुम खाओगे वो मैं खाऊंगा अगर तुमने मेरी बातों को पूरा किया तो मैं तुमसे अहद करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ आठ बातों में शरीक हो जाऊंगा उनमें से एक बात कि जो तुम खाओगे वो मैं खाऊंगा अल्लाह अकबर इमाम की अंदाज़ जंग को बयान करते हुए इमाम के अंसार को बयान करते हुए रोज़ में किसी ख़ातून का तस्करा भी कर रहा हूँ कि इमाम के लश्कर में कितनी ख़ातिन होंगी ये तस्करा गिनती में आ चुका और उनके नाम चल रहे हैं बाकी जिनके नाम तारीख़ ने लिए कल एक इज्त था कि शायद ज़ुबैदा खातून जुबैदा कौन वो जो हारून रशीद की बीवी वो जुबैदा है कि जिसको इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल किया जाएगा वो मोमिना आले मोहम्मद को मानने वाली और इसीलिए बहलोल जैसा अगर पहचान जाए तो बहलोल के आका क्यों ना पहचानेंगे जन्नत का महल किसको बेचा था को उसके आमाल उसकी बातें कल आ चुकी और अब चले बड़ी तेजी के साथ एक खातून को और बयान कर हैं हबाब वालबिया। ये कौन सी खातून है आपने बहुत बार सुना है एक बार और समझ दीजिए पहले इमाम से लेकर आठवें इमाम के दौर तक जिंदा रहने वाली शेख तोसी ने इन्हें दूसरे इमाम की सहाबियात में शुमार किया है मगर बाज़ उलमा कहते हैं पहले इमाम के दौर से मुत्तकियान के पास आई हैं और एक पत्थर लेकर आई हैं, हजर लेकर आई हैं, संग लेकर आई हैं, स्टोन लेकर आई और उस पर इमाम ने अपनी मोहर सब फरमाई है और फिर फरमाया कि जिस जिसने भी दावा इमामत किया हो तो उनसे तलब करना जो मोहर लगा दे उसे इमाम मान लेना <क्थाँगा> तो कुछ लोगों को शौक होता है पत्थर जमा करने का तो पत्थरों पर नक्श विलायत जमा कीजिए क्या नक्श विलायत जमा किए हबाबा ने हबाबा वालबिया मौलाए मुत्तकियान के दौर से और चौथे इमाम के दौर तक चौथे इमाम के दौर में जब आई तो बूढ़ी हो गई हैं जाहिर सी बात है बूढ़ा तो होना चाहिए था उनको इतनी बुरी हुई कि चौथे इमाम का रुकू सजूद बड़े तवील आपके इल्म में है तो इंतजार ना किया जा रहा था परेशान थी कि कैसे खड़ी रहें इमाम हालत रुकू में थे ये चाहती थी कि वापस चली जाए पत्थर लेकर फिर किसी और वक्त आए कि हालत रुकू से जैसे दादा ने जक़ात दी थी वैसे चौथे इमाम ने शबाब दे दिया इशारा इशारा किया इशारा किया रुक जाने का इशारा किया तो हबाबा को रुक जाने का जमाना ही रुक गया कि जवानी पलट के बाद पड़े मोहम्मद महुंदो फिर पांचवें इमाम का जमाना है छठे इमाम का जमाना है सातवें इमाम का जमाना है आठवें इमाम ने फिर जवानी पलटाई इनकी इतफाक से चौथे भी अली थे और आठवें भी अली थे तो जो जवानी पलटाए उसके लिए क्या मुश्किल जवानी पलटाना जो सूरज को पलटाने वाले का बेटा हो जवानी पलटाई चौथे इमाम ने जवानी पलटाई आठवें इमाम ने और 240 बरस का सिन हुआ इनका पूरा मरी है जवान मरी है जवान कि आठवें इमाम के दौर में इंतकाल कर गई मगर थी कितनी 240 साल की सवाल का जवाब मिल रहा है 240 साल की मगर जवान कि अगर कोई उनको देखे तो कहे तो 20 साल की नौजवान खातून है उम्र कितनी है 240 साल यह उस सवाल का जवाब है ग्यारह सौ तिहत्तर बरस में आने वाला अगर आ जा गया तो अट्ठारह साल का जवान लगेगा 240 बरस उम्र है और जवान मर रही हैं और आठवें इमाम ने एक रिवायत अपना कफन या अपना लिबास बतौर कफन हबाबा को दिया था आठवें इमाम के दौर तक तो जिंदा रहने वाली हबाबा वालिबिया बारहवें इमाम के दौर में फिर उठाई जाएंगी इनका काम क्या होगा इन खावीन का काम दो तरह से होगा एक जख्मियों की मरहम पट्टी करना एक सिपाहियों की खाने पकाने की जिम्मेदारी को अपने हाथों से अंजाम देना यानी वो काम जिससे आप कहते हैं नर्सिस किया करती हैं वो काम इन खातिन से इमाम के लश्कर के सिपाहियों के लिए लिया जाने वाला है बस मैंने अपनी बात को मुकम्मल किया तस्करा एक मोमिना का जिससे इमाम के लश्कर में फिर उठाया जाने वाला है और मातम एक ऐसी शहजादी का जिसने बड़ी दुआएं मांगी थी बड़ी दुआएं मांगी थी उस वक्त जबकि बाबा के आने की उम्मीद बाकी थी बड़ी दुआएं मेरा बाबा खैरियत से वापस आ जाए कौन है ये शहजादी इसे मदीने से निकलते हुए इमाम घर पे छोड़ गए थे इसका नाम फातमा सगरा हमारे और आपके यहाँ लिया जाता है ये कौन शहजादी है बड़ी इल्तमास की थी बाबा से कि मुझे साथ लेकर चलें। सबसे सिफारिशें लगवाई थी हत्ता के आखिरी सिफारिश जनाबानी जहरा से लगवाई है फोपी अम्मा आप अगर बाबा से कहेंगी तो बाबा आपकी बात नहीं टालेंगे जना ब जैनब कुबरा तैयार हुई थी सिफारिशी करने के लिए जब खिदमत हुसैन में पहुंची हैं सलाम किया भैया को इमाम ने सलाम का जवाब खड़े होकर दिया बड़ा एहतराम करते थे अपनी बहन का अपनी माँ की जगह अपनी बहन को ख़याल किया करते थे खड़े हो गए बहन को सलाम का जवाब दे के फरमाया बहन कैसे आना हो भैया एक सवाल करना चाहती हूँ हिमाम तो तो आलिम्लैब है ना फरमाते हैं बहन जो चाहो सवाल करो मुझसे सुरा की सिफारिश ना करना ये तुम्हारी बात हुसैन टाल नहीं सकेगा सिफारिश इन मत करना घबरा के पूछा भैया सुनना भी नहीं चाहते क्या बहन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी माँ की तस्वीर बाजारों में फिर शराबी के दरबार में लाही जाए मेरी माँ की तस्वीर बहन में बर्दाश्त नहीं कर सकता बहन सुगरा की सिफारिश न कीजिए इसके अलावा जो चाहे सवाल कीजिए सगरा रह गई काफिला रुखसत हुआ जब रुखसत हुआ तो काफिला बच्ची निकल आई थी नानी के साथ मा ज़ाकरीन कहते हैं बच्चे ऐसे निकल आई है कि मदीने के बाहर एक मरतबा इमाम ने बेटी को आते हुए देखा फरमाया क्यों चली आई तुम्हें समझा कर तो आए थे कि नानी के पास रह जाना बाबा एक मर्तबा माँ बहनों से और मिलवा दीजिए ऊट बैठाए गए हमारी उतारी गई एक एक बीबी से गले मिलकर रोई है कभी उम्मे कुलसोम से मिलकर रोई कभी उम्मे फरवा से मिलके रोई जब उम्मे रुबाब के पास आई है तो बहुत रोई है और रोते रोते असर को सीने से लगा लिया ये सब चले जाते मेरा ये भाई मेरे पास रह जाता कम अज कम दिल तो बहलता रहता असगर बहन की गोद से लिपट गए छूटना नहीं चाहते थे सब ने कोशिश की बहनों ने फुपियों ने माँ ने मगर वापिस नहीं आ रहे सुगरा की गोद में हैं इमाम को खबर हुई इमाम आगे बढ़े असगर से जो अभी बहुत कम सिन है बहुत कम सिन है नौ रजब को तो आमद हुई है बहुत कम सिन है सीने से लगाया हुआ सगरा ने आगे बढ़े हुसैन बच्चे के कान में खुदा जाने क्या जुमला फरमाया बच्चे ने तड़प कर बहन की गोद छोड़ दी मेरा दिल कहता हो बेटा यहां पे रह गए फॉर्मूला तो का तीर कौन खाएगा कुर्बानी को चार चांद कौन लगाएगा असर से मायूस हुई के अब ये भाई तो चला गया और क्या अकबर से मोहब्बत थी लिपट के फरमाती थी कदमों से भैया जा तो रहे हो एक वादा कर लो कि मेरे बगैर सहरा नहीं सजाओगे अकबर जब भी बाबा से इजाजत मिलेगी मुझे लेने जरूर आओगे और अकबर का वक्त आखिर था जब सोहरा के लिए फरमाते थे बाबा बाबा पूछ रहे थे बेटा कोई ख्वाहिश हो तो बयान कर दो फरमाते थे बाबा सोहरा याद आती है बाबा मुझे बहन की ज्यारत करा दीजिए इमाम ने मदीना दिखाया सोहरा को अजीब हाल में देखा अकबर की बहन मट्टी पर मुंह रखे हुए तड़न गए बाबा ये सोहरा को क्या हो गया क्या बेटा क्या तेरे कदमों के निशान लगे गए थे सौराव आबो रखे हुए अली अकबर अली अकबर कहके के फरियाद कर रही है मैं कहूंगा शहजादे अली अकबर आप पर हमारी जाने कुर्बान हो जाएं आपने बहन को देख लिया अपनी शहादत से पहले देख लिया आंखें बंद होने से पहले देख लिया लेकिन अकबर सुगरा तुझे कैसे देख पाएगी अरे लुटा हुआ काफला मदीने के बाहर कयाम पजीर है मदीने के लोग बाहर निकल निकल के आ रहे हैं अव्वल शुरू हो चुका है हाय सुगरा जब महल्लाई बनी हाशिम में बशीर ने ऐलान किया था अरे पर कयामत गुजर गई नानी के साथ निकली है काफले पर काफले के पास कैसे पहुंची है क्या हत, क्या कैत थी मैं बयान नहीं कर सकता कैसे चला जाता होगा इस खबर को सुनने के बाद जब आई है काफले के करीब देखा चारों तरफ सिया झंडे हैं मर्दों में कोई दिखाई ना दिया कभी के। के फूफी से मिली कभी माँ से मिली और जब सबसे मिल रही थी तो हर एक गोद को देखना शुरू किया और ना रहा गया जैनब कुमरा से बेटी क्या तलाश कर रही हो

वसियाम परवरदगार वास्ता वास्ता उस यती में हुसैन का परवरदगार एक बेटी करबला में थी उसको रोने न दिया गया दूसरी बेटी मदीने में थी अरे उसे खबर ही ना हो सके परवरदगार वास्ता उस यतीम हुसैन का अरे जिसने बाबा की शहादत की खबर को सुना गिरियाओ वो मातम किया मैं कहूंगा सुखरा अच्छा हुआ करबला में न गई वरना मातम भी न कर सकती थी मैं कहूँगा सुखरा असगर को तो ढूंढ रही हो जरा पलट के देखो सकीना भी लौट कर नहीं आई परवरदिगार वास्ता उस यतीम हुसैन के तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा परवरदिगार रबीउल उल अव्वल के अयाम शुरू हो चुके अयाम अज़ा रुखसत में रहे परवरदिगार जो हक मातम तक वादा न कर सके हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कोई गम न दे सिवाय गम आले रसूल के बहरला वास्तव मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदि प्रदेश में रहने वाले तमाम साहिबा इमान इन पर अपनी रहमत का साया कायम फरमा दे परवरदार इनकी मुश्किलात को दूर फरमा दे परदिगार यतीम हुसैन का वास्ता इनके रोजगार में तरक्की और कामयाबी अता फ़रमा दे परवरदिगार जो परेशान है इनके रोज़गार को तहफ अत फ़रमा दे बार वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का परवरदगार इमाम ज़माना सलाम के जहूर में ताजील फरमा हम सबको को इमाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा आखिर में सूर फ़ात की तमाश तमाम शहदाय मिलत तमाम उलमाय आलाम मराज तमाम अरवा मोमिन ममिनात ख़ास तौर से एक मोमिन जिनका इंतकाल और तदफ़ीन आज हुई है एतज़ाज़ हसन अब्न मुजाहिद अली इनके लिए फातिहा भी पढ़ लीजिए और नमाज़े वशत क़ब्र के भीतम बिस्मिल